दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मा संस ज्वेलर्स, चौक बाजार, सोलन। बिलासपुर में शुक्रवार को जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कोठीपुरा में निर्माणाधीन एम्स का निरीक्षण किया। उसके बाद उन्होंने कसोल कोल डैम में पेयजल योजना के स्रोत का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के कोठीपुरा में बन रहा एम्स पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तथा वर्तमान बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उन्होंने कहा कि एम्स में पेयजल योजना सहित बिजली की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि 65 करोड़ की इस योजना के तहत कसोल, बंदलाधार व कोठीपुरा में जल भंडारण टैंक बनाए जाएंगे, जिनकी क्षमता 21 लाख लीटर से 40 लाख लीटर तक रहेगी, जिसका कार्य 31 मई 2021 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। आज जब हम इसको उस एम्स के प्रोजेक्ट को देखने आए तो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है वो वाकई में ड्रीम प्रोजेक्ट है। और वहाँ विशेष करके जो पानी की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई आपूर्ति है, उसके लिए हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने कंसर्निंग विभाग के मंत्रियों को आदेश किए हैं कि तुरंत आप पानी की स्कीम जो उसको जल्दी पूरा करें, और साथ में जो बिजली का काम है, क्योंकि बिजली के बगैर तो पानी उठेगा नहीं। तो आज इसीलिए मैंने कहा चलो मैं वहाँ भी देख लूँ और आते आते यहाँ भी देख लूँ, तो यहाँ से जो है वो कोल डैम से पानी उठेगा उसके लिए मशीनरी लगी हुई है, पाइपें पहुँच गई हैं। मेरे विभाग के चीफ साहब मेरे साथ हैं, एससी साहब, एक्शन साहब, सभी जो विभागीय अधिकारी हैं, और हमने इस पानी की स्कीम को पूरा करने का टारगेट जो है वो 31 मई 2021 रखा है। हम इसको 31 मई को तैयार करके देंगे ताकि किसी प्रकार की असुविधा जो है हमारे एम्स में जो बच्चे वहाँ पर डॉक्टर बनने जा रहे हैं, वहाँ जो पेशेंट होंगे उनके इलाज उपचार के लिए, कोई ये ना कहे कि पीने के पानी की वजह से जो है हमारी को कोई दिक्कत है। कितने का प्रोजेक्ट है? 65 करोड़ का प्रोजेक्ट है, और इस 65 करोड़ के प्रोजेक्ट में तो हमारी 3 स्टेजें बनती है। यहाँ से पानी उठेगा और यहाँ ऊपर टॉप पर पहुँचेगा, वहाँ से आगे ग्रेविटी पे चले जाएगा, और ग्रेविटी पे जाने के बाद फिर बीच में एक स्टेज आएगी, उस स्टेज से जब उठेगा तो बंदला की धार के ऊपर जो है वो हमारा मेन टैंक बनेंगे, वहाँ से नीचे फिर एम्स के लिए पानी चला जाएगा। मेन स्टोरेज जो है हमारी बंदला की धार के ऊपर बनने जा रहे हैं, वहाँ पर लगभग अनुमानित कोई 40 लाख लीटर की कैपेसिटी के जो है हम वहाँ पर भंडारण करने जा रहे हैं। यहाँ पर भी लगभग 1 लाख लीटर कैपेसिटी का भंडारण यहाँ पर करेंगे, और इसके ऊपर जो है यहाँ पर वैसे ज़्यादा कैपेसिटी थी लेकिन हमने यहाँ पर कम कर दी, क्योंकि आगे की कैपेसिटी बढ़ा दी, पीछे की कम, बीज की कम कर दी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।